हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी, जिसके बगैर सारे स्नैक्स और सारे चाट बिल्कुल अधूरे हैं। उसका नाम है हरे धनिए पुदीने की चटनी। बहुत ही बढ़िया चटनी है। आप इसे चटपटी हरी चटनी या फिर मिंट एंड कोरिएंडर की चटनी भी बोल सकते हैं। मिंट एंड कोरिएंडर की चटनी बहुत ही चीज़ों में काम आती है। हम कोई भी स्नैक्स बनाएं, कोई भी चाट हो, दही वड़ा हो, सब चीज़ों में हमें चटनी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर चटनी बढ़िया नहीं हो तो सारे स्नैक्स भी फीके हो जाते हैं, कितने भी अच्छा आप बनाएं। तो एक अच्छी और परफेक्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इसकी सारी रेशियो को जान लें, फिर जब भी आप चटनी बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चाट वाली चटपटी हरी फ्रेश चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 2 कप हरा धनिया। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि धनिया फ्रेश होना चाहिए और स्टेम्स के साथ लीजिएगा, क्योंकि सारा फ्लेवर और टेस्ट स्टेम्स में ही होता है। अगर धनिया फ्रेश और ग्रीन नहीं होगा तो आपका चटनी अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए आप फ्रेश धनिया ही यूज़ कीजिएगा। फिर मैंने 1/4 कप फ्रेश पुदीना लिया है, बहुत थोड़ा सा ही लगता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ उसमें 3 हरी मिर्च, इसे थोड़ा तीखा बनाने के लिए, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 3 गार्लिक क्लोव्स या लहसुन की कलियाँ। फिर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस, एक अच्छा सा खट्टा फ्लेवर लेके आने के लिए। फिर इसमें जाएगा 2 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक टेस्ट के लिए। अब एक स्मूथ कंसिस्टेंसी देने के लिए अपने चटनी को और एक अच्छा सा कलर के लिए हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। फिर हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बीकानेरी भुजिया। भुजिया से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, एकदम मसालेदार वाला। इसमें सेव यूज़ मत करिएगा, बीकानेरी भुजिया से अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम डालेंगे इसमें हल्का सा पानी, अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास, इसको एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी देने के लिए, और फिर ढक्कन लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमारा चटनी परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारा चटनी कितना परफेक्ट बना है। फिर हम इसे किसी भी बोल में आराम से निकाल लेते हैं। अगर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 टेबलस्पून डाल के इसे फिर से ब्लेंड कर ले। तो ये लीजिए, एकदम परफेक्ट और बेस्ट हरे धनिया पुदीने की चटनी बिल्कुल तैयार है। इस हरे चटनी को आप किसी भी स्नैक, किसी भी चाट, किसी भी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। दाल चावल के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगती है। तो एक बार आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये हरे चटनी बहुत पसंद आएगी। फिर हमेशा आप यही रेसिपी से चटनी बनाएंगे। आप इसे स्टोर करने के लिए किसी भी कांच के जार में या स्टील के बॉक्स में आप इसको भर करके रखें, आराम से ये 1 हफ्ते तक चल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चटपटी हरी चटनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड